आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। नेपाल पुलिस की हिरासत में हुई भारतीय युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिद्धार्थनगर के धनगढ़वा गांव में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय पुलिस ने युवक को पकड़कर नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया था, जहां नेपाल पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। वहीं स्थानीय पुलिस इन आरोपों को लीपापोती करने में जुटी है, तो पीड़ित परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक को दो सिपाहियों ने पकड़कर नेपाल पुलिस को सौंप दिया, जहां उसे चोरी का आरोपी बनाया गया था। नेपाल पुलिस ने 20,000 रुपए की मांग की और न देने पर युवक की हत्या कर दी गयी। गाजियाबाद के बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिंडन एयरबेस के अंदर घुसने की कोशिश के दौरान एयरफोर्स कर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी। बता दें कि रक्षा की दृष्टि से हिंडन एयरबेस बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां हाल ही में एयरफोर्स बेस को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। घायल शख्स को एयरफोर्स के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी के तमाम लोग युवक से पूछताछ करने के लिए एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। सैयाबाद क्षेत्र में हिंडन एयरबेस पे एक संदिग्ध आदमी की अरेस्ट हुई है, जो अपने को डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ का रहने वाला बता रहा है। अरेस्ट के समय उसके पैर में गोली लगी है। विस्तृत छानबीन और पूछताछ अभी हो रही है, डिटेल जैसे मिल जाएगा उसको बताएंगे। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़े गए तीन लोगों से पूछताछ कर चौंकाने वाला खुलासा किया, जहां बिना नंबर की कार से फरार हो रहे तीनों लोगों से पूछताछ में पता चला कि दिल्ली के कारोबारी राहुल सक्सेना की हत्या इन्हीं लोगों ने की थी। तो यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी और लाश को यहां ठिकाने लगाया गया था। बता दें कि हत्या के बाद बदमाश पुलिस को गुमराह करने के लिए परिवार से फिरौती की मांग कर रहे थे। कन्नौज में गोमती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बोर्ड फीस जमा ना कर पाने के कारण स्कूल प्रबंधन ने एक गरीब घर की बेटी मनीषा को स्कूल से बेदखल कर दिया। मनीषा अपनी गरीबी का हवाला देती रही, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल ने उसका फॉर्म नहीं भरवाया। वहीं जिले के पुलिस कप्तान ने इंसानियत का परिचय देते हुए जहां गरीब बेटी की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया, वहीं दूसरी तरफ शासन से अनुरोध कर उस बेटी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऑफलाइन फॉर्म भी भरवा दिया। पीलीभीत में बीसलपुर के नगर पालिका के प्रबल उम्मीदवार मोहम्मद सलीम मंसूरी ने जनता से अपील करते हुए भारी मतों से जीत दिलाने का आग्रह किया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व चेयरमैन ने पिछले 10 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी सराहना की जाए। वहीं सलीम मंसूरी ने जीतने के बाद सभी लोगों के बीच भाईचारा कायम करने की बात कही। सबसे पहले तो हम जब विजयी बनकर पहुँचेंगे, नगर पालिका की सीट हमको मिलेगी, तो हम बीसलपुर के नगर क्षेत्र से भाईचारा कायम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको आपस में बैठा लगा के सारे काम निष्पक्ष करेंगे, जिससे कहीं पे भी कोई ऐसा माहौल ना दिखाई दे कि बीसलपुर में आज तक इस चीज़ का कहीं पे उपयोग हुआ हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बीसलपुर में सारे समुदाय, सारी बिरादरियाँ, सारे समाज एक साथ बैठ कर के काम करें और एक साथ मिल कर के चलें। जो चंद लोग जो हैं बीसलपुर के, जिन्होंने आज तक सांप्रदायिक ताकतें जो तैयार करी थीं, उनका कभी भी मनोबल नहीं बढ़ा और वो हमेशा उनका मनोबल टूटा है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे विजयी बनाए। नगर निकाय चुनावों को लेकर संबंधित चुनाव कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण एटा जिला के पंचायत परिसर में संपन्न कराया गया, जहां जिलाधिकारी ने मतदान से संबंधित जानकारियां कर्मियों को दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से मतदान कराना उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है। वहीं इस प्रशिक्षण में 65 कर्मी अनुपस्थित रहे, जिसके लिए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही करने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेधावृत शास्त्री द्वारा एटा में संपन्न कराई गई, जहां उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी पूजा शास्त्री का नामांकन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किया गया था, जिसे राजनीतिक षड्यंत्र के चलते निरस्त करा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भाभी निधि शास्त्री का नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कराया है। इस मौके पर मेधावृत शास्त्री ने जिले में विकास करने के वादे जनता से किए। हरदोई के एसपी कार्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब दो महिलाएं एएसपी की सरकारी गाड़ी के आगे लेटकर रोने लगीं। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवक की पीट पीट कर उसके ही भाइयों ने हत्या कर दी थी, जिसकी शिकायत करने के बाद थाना अध्यक्ष ने मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपी को ना तो गिरफ्तार किया और न ही कोई कार्रवाई की, जिसके बाद न्याय की आस में पीड़ित परिवार एएसपी दफ्तर में पहुंचा था, जहां से कोई भी न्याय ना मिला तो पीड़ित परिवार एएसपी की गाड़ी के सामने लेट गया। कुशीनगर में जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज ने अपने 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मनोरंजन किया। रजत जयंती कार्यक्रम में छोटे बच्चों के द्वारा सरलता से समाज में फैली कुरीतियों को सही दिशा देने का प्रयत्न किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के स्टाफ और बच्चों को सम्मानित भी किया गया।
बलिया में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चितबड़ा गांव थाना और नसराव कोतवाली में बैठक कर नगर निकाय चुनाव की तैयारियां और शांति व्यवस्था की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने संबंधी निर्देश भी दिए। वहीं मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि नगर क्षेत्र के 10 किलोमीटर के एरिया में आचार संहिता लगी रहेगी। इस दौरान अधिकारी ने सभी संबंधित लोगों से सहयोग करने की बात कही। बलिया में सनफ्लावर स्कूल में चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। वहीं पर्यावरण के प्रति जागरूक फैलाने से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक और बच्चे उपस्थित रहे। जौनपुर के इसमैला गांव में एक कॉलेज में हुए मामूली विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के दो युवकों को घर के पास गोली मार दी। घायल अवस्था में दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है तो घायल एक युवक ने बताया कि चार दिन पूर्व कॉलेज परिसर में दोनों का कॉलेज के ही दो अन्य युवकों से विवाद हो गया था। आरोप है कि उन्हीं युवकों ने कुछ अन्य युवकों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। मुजफ्फरनगर के गांव मुबारकपुर में कई दिनों से गन्ना सेंटरों पर तौल न होने के कारण BSNL के टावर पर चढ़कर तीन किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया। घंटों बाद समझा बुझाकर किसानों को नीचे उतारने के बाद पंचायत ने फैसला लिया कि मांगों को नहीं माने जाने पर CM योगी आदित्यनाथ की रैली में काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाएगा। बता दें कि बिजली के तार यहां काफी नीचे लटक रहे हैं, जिस कारण से गांव के सेंटरों पर तौल कई दिनों से बंद है। मैनपुरी में उस समय स्थिति विवादास्पद हो गई जब एक दबंग सभासद के द्वारा ज्योति खुड़िया में एक नगर पंचायत के तालाब पर कब्जा करने की कोशिश की गई। सरकारी तालाब पर कब्जा होते देख लोगों में रोष भर गया और जिसके बाद पूरा गांव इसके विरोध में आ गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे पर रोक लगा दी, जिससे एक बड़ा बखेड़ा होने से बच गया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।